ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमास सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान, पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस सिरमौर चौक रीवा। मध्य प्रदेश के विंध्य में एक अद्भुत भोलेनाथ के दरबार पवन तिवारी के मुखार बिंदु से भक्ति के रस प्रवाह, भजन गाने में और आप सभी को सुनाने में ऐसी बाबा की बड़ी कृपा बरस रही। इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, हम स्वयं नहीं बता सकते कि मैं गा रहा हूँ या वो मुझे दबा रहे हैं। जूनियर अनूप जलोटा अपना का कहा जाते, ये लोगों का, हमारे सुनने वालों का, संगीत प्रेमियों का प्यार है, उनका आशीर्वाद है। कहे कि चाहे बागेश्वर धाम हो, गंगा जमुनी तहजीब का देश है, यहाँ सब मिलकर रहे हैं शुरू से, ये अपने आप में एक अलग माहौल है। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, एक बार जो दुनिया से किनारा हो जाए, एक बार जो। मध्य प्रदेश के विंध्य में एक अद्भुत भोलेनाथ के दरबार है और यह भोलेनाथ के दरबार में आज सुप्रसिद्ध भजन गायक पवन तिवारी के मुखार बिंदु से भक्ति के रस प्रवाह, जहां भक्तन के द्वारा यह रस की प्राप्ति भय, वो के साथ साथ भगवान भोलेनाथ के दरबार में एक अलग नज़ारा रहा, जहां भक्ति भक्ति के रस में सरोबोर रहे। हमारे साथ सुप्रसिद्ध भजन गायक पवन तिवारी जी हैं, साथ में यह सार्वजनिक भोलेनाथ बाबा के यह दरबार के, जो कहा जाए कि सार्वजनिक मंदिर के बनाबे खातिर आपन तन मन धन सब लगाए दिन, और वो आज राकेश भैया हमारे साथ हैं और पूरी उनका टीम हमारे साथ ही, जो ये भोलेनाथ बाबा के दरबार का वह में सजाइस जे का अपना कह सकी थे कि भगवान भोलेनाथ लागत है कि अब स्वर्ग से उतर के पृथ्वी पर आ चुके हैं। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल बा, हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे या भक्ति के रस में सरोबोर हो वाली खबर के। पवन भैया हमारे साथ है, पवन भैया विंध्य के धरामा अपना के एक तो पहले बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, और भोलेनाथ बाबा के दरबार में जो भक्ति के रस अपना प्रवाह करें ओके खित्र बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम, आप सभी के बीच में शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष में जो सेवा मिली है आदरणीय राकेश भैया के द्वारा, और आप सभी का जो सहयोग मिला उसके लिए बहुत बहुत सभी का आभार। बड़ा सुख मिला भजन गाने में और आप सभी को सुनाने में, ऐसी बाबा की बड़ी कृपा बरस रही थी, बड़ा आनंद आया। भगवान भोलेनाथ का दरबार है और आप लगातार जो है भक्तिमय रस प्रवाह करते रहते हैं, ये प्रेरणा और ये भक्ति का रस प्रवाह जब आप बहाते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? अब ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने कर दिया, और सत्य तो ये है कि जब उनका स्मरण करके श्री सीताराम जी महाराज का, चाहे भोलेनाथ हो, जब शुरुआत होती है तो संगीत के स्वरों का प्रवाह ऐसा होता है कि इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, हम स्वयं नहीं बता सकते कि मैं गा रहा हूँ या वो मुझे गवा रहे हैं। ये कृपा उनकी है, सेवक तो केवल सेवा करता है, सारी कृपा उन्हीं की है, उन्हीं के माध्यम से सब चल रहा है। निश्चित तौर पर अपना के द्वारा बुंदेलखंड की धरती से या बघेलखंड में जो है यह भक्ति के रस प्रवाह की इंजाला है, और निश्चित तौर पर जो श्रोता गण रहे हैं वो भक्ति के रस से सराबोर हो गए। अपना के भजन जो है आज सोशल मीडिया के जमाना है, युग है, वो माँ पवन तिवारी कोनो परिचय के मोहताज नहीं आए, सुप्रसिद्ध प्रसिद्ध भजन गायक और अपना जूनियर अनूप जलोटा अपना का कहा जाते, या कऊ में अपना के उपनाम है, और यह सुन के अपना का कैसा लगा था? ये लोगों का, हमारे सुनने वालों का, संगीत प्रेमियों का प्यार है, उनका आशीर्वाद है। परम सिद्धे अनूप जलोटा जी बहुत महान कलाकार हैं और बड़े गर्व की बात है, हमारे देश के ही हैं। उन्होंने जो भजनों को ऊंचाई दी है,
वो हर कलाकार के लिए, हर भजन गाने वाली के प्रेरणा स्रोत है। यदि उनके साथ मेरा नाम लिया जाता है, मेरी उनसे कोई बराबरी नहीं। वो बहुत महान व्यक्ति है, मैं तो अभी सीख रहा हूँ। ऐसा मेरे श्रोताओं का मन है, उनका उनका रुझान रहता है कि पवन जी को जूनियर अनुज लोटा बोला जाए, तो अच्छा लगता है, ये उनका प्यार है। लेकिन वैसे मैं अभी सीख रहा हूँ, मेरा प्रयास कोई दूसरी दिशा बनाने का है। निश्चित तौर पर एक अद्भुत प्रयास जो भक्तन के मन मोह लिए, और निश्चित तौर पर देखिए भगवान भोलेनाथ की यह अद्भुत दरबार है जो हमारे साथ यह पूरा प्राण प्रतिष्ठा आज भय ही, और यह पूरा परिसर अपना देख रहे हैं, पूरा भक्तिमय है, और देर रात यह श्रोता सुनर रहे, वह भगवान के भजन में लीन रहे और कह रहे कि जय भोलेनाथ और जय भोलेनाथ बाबा के दरबार। और हम अब एक सवाल यह पूछे चाहब कि जैसा जूनियर अनूप जलोटा अपना का कहते हैं, एक थे अपना के भजन बड़ा सोशल मीडिया में वायरल भा, श्री राम जय राम जय जय राम, या कहाँ से ये भजन के उपज भय और अपना के मन में कैसा आवा कि ये भजन गावा जाए, और जो जेका अद्भुत प्यार मिला, पूरे विश्व में प्यार मिला, वह प्यार का कौने तरह से अपना सजोए के रखी लागे। प्रभु कृपा से हमारा जो निवास स्थान है वो ओरछा के पास में है, जहाँ विश्व प्रसिद्ध हमारे राम राजा सरकार विराजमान है। ये उनकी कृपा है। जब मेरा पहला एल्बम तीसरी से आया तो उसका पहला भजन ही है एक बार जो रघुवर की नज़रों का इशारा हो जाए, और राम जी की ऐसी कृपा रही, ऐसी उनकी ऐसा उनका अनुग्रह रहा कि ये भजन पूरा वर्ल्ड फेमस हुआ। मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ, यहाँ भी दो बार गाना पड़ा, जहाँ भी जाते हैं तो दो या तीन बार मुझे ये भजन गाना पड़ता है, या यूँ कहिए कि मेरे भजन की शुरुआत ही इस भजन से होती है। एक रामराजा सरकार ने इस भजन के माध्यम से इस सेवक को पहचान दी है, और ये मेरी प्रभु के प्रति मेरे ये जो संगीतमय पुष्प हैं, ये मेरी प्रार्थना है। अब प्रार्थना भजन का स्वरूप बन गई है तो ये उनकी कृपा है। निश्चित तौर पर कहा थे ना कि सार्थकता प्रभु के भक्ति के वह आए कि प्रभु अपने चरणन में स्थान दे, और पवन तिवारी वह नाम है यदेश के कि उनका प्रभु श्री राम प्रभु भोलेनाथ अपने चरणन पर स्थान दिन, और आज कौनो परिचय के मोहताज नहीं आए हैं। और निश्चित तौर पर पवन तिवारी जी के आज रसगंगा या पूरे प्रांगण माँ पूरी तरह से बही, जेकर आनंद पूरे भक्तजन लिहिन। पवन भैया आज सीधी के धारा में अपना आयन जी, सीधी शायद हमारे हिसाब से पहली बे आए हो, और सीधी के रोड कैसा लाग अपना, सीध रही या टेढ़ रही? मैं पहले भी आया हूँ दो बार जी, तब रोड तो ठीक ही थी, अब रोड बहुत अच्छी है, पता भी नहीं चला आने में। और सबसे बड़ी बात है, सीधी जब भी आया हूँ इस बार तो कुछ यानी भोलेनाथ की कृपा से बड़ा सुंदर अनुभव हुआ। आदरणीय राकेश भैया के कुशल संयोजन में, उनकी टीम का अथक प्रयास, ये शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा एक सराहनीय कार्य है। और श्रोताओं का जो आनंद प्रेम मिला, सुनने का जो और सुनाने का जो आनंद है वाकई में मिला। ऐसे महान श्रोताओं को मेरा सादर नमन प्रणाम। निश्चित तौर पर भैया से अब एक लाइन हम चाहब कि रघुवर की नज़रों का इशारा हो जाए, कहे कि वह भगवान के भोलेनाथ के वह दरबार में हम हैं, जहाँ हर दरबार जो है भगवान भोलेनाथ से शुरू होते है, और वह दरबार में हम कहब कि पवन भैया दुई शब्द जो भक्तजन या पूरा इंटरव्यू देख रहे हैं, कहे कि यह हमारा सौभाग्य है कि पवन भैया के हम खुद साक्षात्कार कह रहे हैं, जेकर साक्षात्कार निश्चित तौर पर भगवान भोलेनाथ के चरण करते थे, और निश्चित तौर पर अपना हमेशा समर्पित रही थे भगवान भोलेनाथ, भगवान के मतलब भक्तिमय यह रसगंगा के प्रवाहित कर रहा थे। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, एक बार जो एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, तेरी लगन में खो जाऊं,
दुनिया से किनारा हो जाए एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। निश्चित तौर पर कहा थे ना कि प्रभु श्री राम के जे चरणन की कृपा जेकर हो जाए जे पाए जाए ओका दुनिया में केहू की कृपा ना चाही। और निश्चित तौर पर प्रभु के या दरबार के अद्भुत संयोग रहा कि आज एमपी संदेश न्यूज़ 24 एठे खुद पहुंचा। हमारे साथ राकेश भैया हैं और यह अद्भुत दरबार के संयोजक कही आयोजक कही या कही कि या भक्तिमय रसगंगा के प्रवाह करे वाले एक कहा जाए कि ऐसा भक्त भगवान भोलेनाथ के दरबार के कि जिनका वास्तव में हरुआ सीधी के सीधीवासी धन्यवाद दे रहा है कि पवन भैया जैसा एक अनुपम भक्त भगवान के जेका सीधी अपना बुलाइन। और निश्चित तौर पर यह भक्ति के रस प्रवाह के जो है सानिध्य मिला सबका। राकेश भैया पवन भैया आए और भगवान भोलेनाथ की अद्भुत दरबार अपना सार्वजनिक मंदिर के निर्माण करें अपना कहाँ से प्रेरणा मिली और का कहा आज की या अद्भुत संयोग का? पहले तो हम आदरणीय पवन भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो अपना कीमती समय दिया हमारे भोलेनाथ दरबार में। बाकी प्रेरणा हो गया, अंदर से आ गई, लग गए तो कर डाले। सब भक्तों को इकट्ठा किया, भक्त बहुत हैं लेकिन भक्तों को इकट्ठा करने में दिक्कत होती है। एक स्टेज मिलना चाहिए, स्टेज भोलेनाथ दरबार है ये है, यहाँ सब इकट्ठे होंगे, भक्ति का रस बहेगा, भक्ति की गंगा बहेगी, हर हर महादेव। निश्चित तौर पर कहा थे ना कि भगवान भोलेनाथ के जो या भक्ति के रस भक्ति के गंगा बही तो हर व्यक्ति अपन या भक्ति के रस में डुबकी जरूर लगाइस। कहे कि उचाहर रहा कि यह भाव से पार हो जी और यह भाव से तरे खातिर भक्ति के मार्ग अवश्य चुने चाहिए। कहे कि अब पवन भैया हमारे साथ हैं, इस समय देश में एक अलग तरह के माहौल है पूरे देश में, का कहब कि या जो भक्ति के देश में एक अलग माहौल है हमा शायद इशारा अपना समझत हुई। कहे कि चाहे बागेश्वर धाम हो चाहे गंगा जमुनी तहजीब का देश है, यहाँ सब मिलकर रहे हैं शुरू से और संतों साधकों ऋषि मुनियों का ये देश है। ठाकुर जी के जितने भी अवतार हैं इसी पवित्र पावन भारत भूमि में ही हुए हैं। और जो आज माहौल है ये अपने आप में एक अलग माहौल है। वैसे जो ये अलग चल रही है ये बहुत अच्छी है और संतों के लिए मेरा बारंबार प्रणाम है, उनको नमन है। लेकिन जो हिंदुत्व का ये जो चल रहा है, पहले तो यही निवेदन करेंगे समस्ती आंदोलन की कोई आवश्यकता नहीं। निश्चित तौर पर पवन भैया के द्वारा एक बेहद बेहतर संदेश देगा कि यह धर्म सनातन है और यह धर्म हमका अपना का एक कहा जाए स्वीकारोक्ति देत है कि हम अपना समझी अपने धर्म का अपने सनातन का और या धर्म के महिमा का। कहे कि हम पचे जौने स्थिति से गुजरे हैं, यदि अपना कहा जाए कि आक्रांता जो वैश्विक आक्रांता है तो यह सिर्फ सनातन पर आक्रमण करें, लेकिन यह धर्म ऐसा रहा जो अखंड रहा जो कबो टूट नहीं और हमेशा मजबूती से खड़ा रहा, जो आजो तक वह स्फूर्ति से जिंदा है। कहे कि राकेश भैया जैसा जो है भक्त हैं, पवन भैया जैसा यह भक्ति के रस प्रवाह करे वाले हैं और निश्चित तौर पर यह सनातन के ध्वजा लेके जब अपना पचन जैसा लोग निकला थे तो यह ध्वजा कबो झुक नहीं सके। तो आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम।